मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयपुर में ईडी कर रहा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, 50 सवालों की सूची का सामना करना होगा रॉबर्ट वाड्रा को। विधानसभा में गूंजा किसान कर्ज माफी और गुर्जर आरक्षण का मुद्दा, भाजपा का आरोप, किसान कर्ज माफी पर स्पष्ट नहीं सरकार की नीति। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, दौसा और टोंक में रेल और सड़क यातायात बाधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सरकार तैयार। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मद्देनजर हेल्थ टीमों ने की 54 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य निदेशालय ने जारी किए आंकड़े। संक्रमण से प्रभावित 2674 लोगों को मौके पर ही उपलब्ध कराई गई टैमीफ्लू दवा। जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ जयपुर महाखेल 2019। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह की पहल पर पंचायत स्तर तक हो रहे रोमांचक खेल, जो इसको खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ और अब खबरें विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा की मां मोरिन वाड्रा से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के 50 सवालों का सामना करना पड़ सकता है। कोलायत में फर्जी जमीन आवंटन समेत मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया था। रॉबर्ट वाड्रा कल दोपहर करीब 12 बजे अपनी मां मोरिन वाड्रा के साथ जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में कल किसान कर्ज माफी, गुर्जर आरक्षण और अन्य मुद्दों पर हंगामा हुआ। इससे सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। स्थगन प्रस्ताव के दौरान प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया कि किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी पर सरकार की घोषणा स्पष्ट नहीं है। मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व सरकार द्वारा किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ करने संबंधी सवाल पूछा तो भाजपा सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया। 150 इस प्रकार के केवल प्रमाण पत्र बांटे, कुल मिलाकर के सरकार के पास अभी भी कोई आंकड़ा नहीं है। इन्होंने 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करने के लिए कहा था। संपूर्ण कर्जा 99,600 करोड़ बनता है, 59 लाख किसानों का बनता है। इनके पास इस प्रकार के कई वित्तीय प्रावधान नहीं है। बीच बीच में कभी 16,000 कभी करोड़, लेकिन उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। यह सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान तो 10 दिन का नारा दे करके वोट हासिल किए, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ये इस प्रकार के शिविर के द्वारा कुछ सीमित मात्रा में एक किसानों के ऋण पत्र माफी का एक पत्र दे करके केवल धूल झोंकना चाह रही है, ताकि लोकसभा चुनाव तक इसको लंबा करें। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन जारी है। गुर्जर आंदोलनकारियों ने सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर खेडली मोड़ पर जाम लगा दिया। उधर दौसा जिले के सिकंदरा महुआ हिंडोन मार्ग पर गाजीपुर मोड़ के पास और टोंक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर पक्का बंधा को भी समुदाय के लोगों ने जाम कर दिया। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की तमाम बड़ी और वर्तमान स्थितियों की जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता दौसा जिले के संतोष कुमार शर्मा के पास।
राज्य में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते रेल और बस द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल और रोडवेज प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। बसों और रेलों का कुछ स्थानों पर मार्ग परिवर्तित कर उनका संचालन किया जा रहा है, जबकि सुरक्षा के चलते प्रभावित इलाकों में इनका संचालन रोक दिया गया है। आरक्षण आंदोलन से प्रभावित जो एरिया है उनके मुख्य प्रबंधकगण को अपने निर्देश दिए हैं कि आम यात्रियों किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से संपर्क करके और जिन जिन स्थानों पर निर्बाध रूप से वाहनों का संचालन किया जा सकता है उन स्थानों पर वाहनों का संचालन करें, यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करें। लेकिन जहाँ पर ये लग रहा है कि रोडवेज की गाड़ियों को नुकसान हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसके लिए उनको निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्थानों पर गाड़ियों का वाहन संचालन नहीं करें। बाकी हमने सभी मुख्य प्रबंधकगण को, पूरे राजस्थान के मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों किसी तरीके की असुविधा नहीं हो, और अगर मान लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत भी आती है तो स्थानीय पुलिस से संपर्क करके और कॉन्स्टेबल वगैरह को साथ भिजवा सकते हैं। रेलवे ट्रैक तो जाम था, अभी कल से इन्होंने जो है सड़क मार्ग भी जाम कर दिया है और वहाँ भी जो है जाम लगने से हमारी जो बसें हैं वो संचालन नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि जहाँ पर निर्बाध वाहन संचालन हो पा रहा है वहाँ पर यात्रियों को हम सुविधाएं पूरी देंगे, और अगर अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होगी तो वो भी हम उपलब्ध करवाएंगे। जिस तरीके से इस आरक्षण की वजह से मतलब प्रॉब्लम चल रही है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग ट्रैवल पे आए हुए हैं और अभी हम लोग को आगरा जाना है तो बाई बस हम लोग को कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, और ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से मुझे शाम को जाना था बट मुझे अभी जाना पड़ रहा है। सर मुझे तो लखनऊ जाना था, अभी तो कोई साधन मिल नहीं रहा है, शायद आंदोलन के चक्कर में सब रूट बंद करा हुआ है इन्होंने, इसलिए भी कोई रास्ता नहीं है। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब रूट खुलेगा, कब मैं जाऊँ। हाँ, मेरे को लखनऊ जाना था बट सारे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यहाँ बस स्टॉप भी आए हैं, बस स्टॉप में भी सारी बसेस भी नहीं चल रही है, ट्रेन भी सारी पोस्टपोन हो चुकी है, बट हम कैसे जाएंगे अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, हम कैसे जाएंगे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दौसा के संवाददाता संतोष कुमार शर्मा। जी संतोष कुमार, दरअसल दौसा जिले में गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सिकंदरा में गुर्जरों ने पिछले दो दिन से जाम लगा रखा है, साथ ही महुआ हिंडौर मार्ग पर भी गाजीपुर मोड़ पर गुर्जरों ने आंदोलन कर रखा है, वहाँ भी जाम लगा रखा है, जिसके चलते आमजन खासा परेशान है। यहाँ यातायात बाधित होने के कारण दूर दराज के इलाकों में गंतव्य को यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन वो इतने सक्रिय छोटे हैं कि यातायात दिन भर जाम सा रहता है, ऐसे में यात्रियों के सामने भारी परेशानी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं, इसके लिए एसटीएफ और आरएसी की 7 कंपनियां दौसा में तैनात की हुई है, साथ ही 25 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं और खुद पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और गुर्जर आंदोलन में शांति व्यवस्था बनी रहे इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर सिकंदरा में आंदोलन के चलते आसपास के जितने भी छोटे रास्ते हैं उनको भी बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सवाईमाधोपुर से यह गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ था, पिछले 4 दिनों से यह आंदोलन चल रहा था, ऐसे में पिछले 2 दिनों से दौसा में भी आंदोलन की आग तेज होने लगी है। इधर गुर्जरों ने आज रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बांदुकी क्षेत्र में बैठक की थी और इस दौरान पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए और किसी तरह बातचीत के जरिए इस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रतापपुरा में बातचीत चल रही है, अब आगे गुर्जर समाज निर्णय करेगा कि ट्रैक पे जाते हैं या नहीं। यदि गुर्जर समाज ट्रैक पे चले जाता है तो दिल्ली अहमदाबाद का यह रेलवे ट्रैक पर यातायात बाधित हो सकता है, ऐसे में जिला प्रशासन की पूरी नजर। संतोष कुमार जी, आंदोलन को लेकर आगे की क्या रणनीति बनाई है, गुर्जर आंदोलन को लेकर कुछ खास रणनीति या नीतियों का ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी? दिव्या कर्नल किरोड सिंह बैंसला का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी राहगीरों को परेशान न किया जाए, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ न की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है कि किसी तरह दिल्ली अहमदाबाद जो रेलवे ट्रैक है बांदीपुर पे उसको किसी तरह रोका जाए ताकि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और वो 5% आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं और इसके लिए वे फिलहाल शांतिपूर्ण है,
लेकिन जैसे ही कर्नल का कोई आदेश मिलेगा तो इस आंदोलन में और गति लाई जा सकती है। दिव्या जी, जी संतोष कुमार जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान जयपुर में आज से शुरू हुआ। पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की। शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता के शास्त्री नगर स्थित निवास पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करते हुए रेल प्रशासन ने उदयपुर में जयपुर कामाख्या कवि गुरु एक्सप्रेस का उदयपुर तक विस्तार किया है। आज सांसद अर्जुन लाल मीणा और सीपी जोशी ने इस रेल सेवा का उद्घाटन और फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सुनील अग्रवाल भी मौजूद थे। इस ट्रेन के उदयपुर तक विस्तार के बाद राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, अजमेर और आसपास के यात्रियों को नजदीकी स्टेशनों से सीधी ट्रेन उपलब्ध हो गई। इसके साथ ही लगभग हमारी कई ट्रेनें चली और आज उसी खला में कामाख्या देवी सीधे गुवाहाटी जाने के लिए एक नई ट्रेन हमें मिली है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। फुट ओवर ब्रिज इस स्टेशन पर जरूरी है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म बनने के लिए। प्रदेश में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज पाए जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान के आंकड़े जन स्वास्थ्य निदेशालय ने जारी किए। 2 से 9 फरवरी तक चले सघन निरीक्षण अभियान में 54,89,223 लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान स्वाइन फ्लू संक्रमण से प्रभावित 2674 लोगों को हेल्थ टीम की ओर से मौके पर ही डेमी फ्लू की दवा उपलब्ध कराई गई। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर बी के माथुर के मुताबिक प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के डोर टू डोर निरीक्षण कार्य हेतु 25,000 से ज्यादा स्वास्थ्य दलों ने कार्य किया। आइए अब चलते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की और अधिक जानकारी के लिए सवाई माधोपुर से यशवंत संवाददाता के पास। जी सर, बताइए वहां का माहौल कैसा है, सवाई माधोपुर में क्या कुछ पुलिस प्रशासन की ओर से बंदोबस्त किए गए हैं और गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, मैं दर्शकों को आरक्षण आंदोलन को लेकर ताजा जानकारी देते हुए बताऊं कि यहां आरक्षण का आंदोलन का आज 5वां दिन है और गुर्जर समाज के लोग यहाँ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में दिल्ली मुंबई ट्रैक जो मलाना स्टेशन है वहाँ उस ट्रैक पर जमे हुए हैं। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय लगातार 5 दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं हो और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो सर, इन तमाम इंतजाम और बंदोबस्त के चलते भी यात्रियों और वहां के निवासियों को क्या कुछ परेशानी हो रही है या फिर सभी सुविधापूर्ण चल रहा है? मैं बताना चाहूँ, निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई एक बड़ा रेल मार्ग है जिसको जाम करने के बाद यहाँ करीबन 100 से ज्यादा गुड्स और पैसेंजर ट्रेन या तो डाइवर्ट कर दी गई है या तो कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बात करें हाईवे की तो कल से यहाँ गुर्जर समुदाय द्वारा हाईवे को भी जाम किया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के आ रही है कि उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पा रही है। कई जगह स्थिति ऐसी है कि यात्री एक ओर ही बने हुए हैं, दूसरी ओर वो जा नहीं पा रहे हैं रास्ता जाम होने की वजह से। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को के पास भेजा गया था लेकिन वो वार्ता भी नतीजा रही और सुनने में ये आ रहा है कि मौजूदा समय में सरकार द्वारा 19 सदस्यीय कोई प्रतिनिधिमंडल एक गठित किया गया है जो आज या कल जैसे भी कोई सूचना मिले हम जानकारी देंगे आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी।
राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आज बसंत पंचमी और निराला जयंती के उपलक्ष्य में स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी कविता का वाचन किया। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्रुति शर्मा ने बताया कि कविता पाठ के साथ मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विभाग के अन्य शिक्षकगण सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राजसमंद की एनआरआई बेटी ज्योति कोठारी 16 साल से अपने ट्रस्ट के जरिए भारत में समाज सेवा के कार्य में जुटी है। ज्योति कोठारी के ट्रस्ट ने राजसमंद के राजकीय विद्यालय गाडरियावास धोइंदा को गोद लिया। इस मौके पर समाज सेवी ज्योति कोठारी ऑस्ट्रिया से भारत पहुंची थी। सरकारी स्कूल को गोद लेकर कोठारी का ट्रस्ट गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा मुहैया कराता है और 20 छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयपुर में ईडी कर रहा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, 50 सवालों की सूची का सामना करना होगा रॉबर्ट वाड्रा को। विधानसभा में गूंजा किसान कर्ज माफी और गुर्जर आरक्षण का मुद्दा, भाजपा का आरोप किसान कर्ज माफी पर स्पष्ट नहीं सरकार की नीति। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, दौसा और टोंक में रेल और सड़क यातायात बाधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सरकार तैयार। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मद्देनजर हेल्थ टीमों ने की 54 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य निदेशालय ने जारी किए आंकड़े। संक्रमण से प्रभावित 2674 लोगों को मौके पर ही उपलब्ध कराई गई टैमीफ्लू दवा। जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ जयपुर महाखेल 2019। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह की पहल पर पंचायत स्तर तक हो रहे रोमांचक खेल, 24 को खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।